चुनाव चिन्ह का पता नहीं चलेगा। ये है वो है, आज तक गुमराह करने का काम किया हम लोगों ने, बेवकूफ बनाने का काम किया है। इस देश की सत्ता, मतलब देश के अंदर जो सरकार चला रहे कुछ सीमित लोग चला रहे हैं। आपके दरियाबंद में कांग्रेस का एमएलए बनेगा तो आपको पता है कौन चलाने वाला है इसको? आज तक किसने चलाया है? बीजेपी का एमएलए बनेगा तो उसको किसने चलाया आज तक? वो टिकट किसको मिली जिसने जाके पैर दबाए? आपने देखे होंगे फोटो साहित्य। आपको समझने की जरूरत है, आप सभी लोगों को रात दिन मेहनत करनी है और अपना जो उम्मीदवार है उसको जिताना है। आप सबको लेकर त्योहार आ रहा है और मेरे हिसाब से ये जो चुनाव है वो अपने लग रहा है कि सबसे बड़ा त्योहार के रूप में इसको मनाएंगे अपन सब। उत्साह रहता है जितना दरियावत की जनता में इस चुनाव को लेके उत्साह है और ये एक ऐसा चुनाव है, इस चुनाव में अपने समाज की एकता, देश की एकता, क्षेत्र की एकता को दिखाना है। हमारा देश संविधान के आधार पे चलता है और हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई ये है कि संविधान को बचाना है और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना है। आज हमारे समाज के लोगों के साथ क्या क्या स्थिति हो रही है, देश के संविधान में प्रावधान दिया गया है कि जो पिछड़ा समाज है, आदिवासी मेरा समाज है, एससी समाज है, अन्य पिछड़ा समाज है, इन सभी समाजों को आगे लाने के लिए जो दबा कुचला है, जिन पे आज तक शोषण हुआ है उसको आगे लाने के लिए संविधान के अंदर प्रावधान किया गया है। लेकिन देश की सरकार ऐसी बनी है कि संविधान के अंदर जो प्रावधान किया गया है उसको लागू नहीं करना चाहते। उनका स्वागत किससे करते हैं? जोहार से करते हैं।